एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पेट पूजा विद पूजा। आज हम आए हैं एक नई वीडियो लेके जिसमें हम करेंगे कंपैरिजन बिटवीन हल्दीराम और बीकानेर वाला। इसमें हम आपको इनकी बताएंगे टेस्ट, पैकेजिंग, प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, जो कि हम आपको सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको किसका खाना अच्छा लगता है, हल्दीराम का या फिर बीकानेर वाले का। आ चुके हैं तो हम इनमें चेक करते हैं कि इनमें हमें क्या क्या मिला है। तो फर्स्ट हम देखते हैं हल्दीराम से हमें क्या क्या मिला है। सो पहले हमारे पास है रोटी और ये थाली। सेकंड अब हम चेक करते हैं बीकानेर वाले में इनकी रोटी और ये है इनकी थाली। हमारे पास हमारी दोनों थाली आ चुकी है। ये है हमारे पास बीकानेर वाली थाली, ये है हमारे पास हल्दीराम वाली थाली। तो हम पहले देखते हैं कि बीकानेर वाली थाली में हमें क्या क्या ऑप्शंस मिले हैं, क्या क्या चीजें हमारे पास आई है। सो ये है हमारी बीकानेर वाली थाली और इसमें हमारे पास है रोटी, चावल, दाल मखनी, शाही पनीर, अचार, सलाद और एक रसगुल्ला। ठीक है, ये है हमारी बीकानेर वाली थाली। इनकी रोटी मैं आपको दिखा दूं, बटर लगा हुआ है, दो रोटी मिली है मुझे यहाँ पे, ये इनके साइज है। ओके जी, सो ये है हमारी हल्दीराम वाली थाली। इसमें हमारे पास आए हैं एक लच्छा पराठा और एक नान। इसमें बटर नहीं है हमारे पास। अब देखते हैं थाली में हमारे पास क्या क्या है। सो यहाँ पे हमारे पास है पनीर, मिक्स वेज, गुलाब जामुन, सलाद और पापड़, सलाद, रायता, दाल मखनी और चावल। तो ये थे हमारे सारे के सारे आइटम जो हमें दोनों थाली में मिले हैं। अब हम इनका करके देखते हैं कंपैरिजन कि कौन सी थाली हमें ज्यादा बेटर लग रही है। ओके, तो अगर मैं प्राइसेस की बात करूं यहाँ पर, तो बीकानेर वाली जो थाली है वो मुझे पड़ी है 260 रुपीज की और जो हल्दीराम की थाली है वो पड़ी है 360 रुपीज की। पैकेजिंग में अगर मैं बात करूं तो मुझे बीकानेर वाले की पैकेजिंग ज्यादा अच्छी लगी एज कम्पेयर टू हल्दीराम वाले की। बट हल्दीराम में हमारे पास क्वांटिटी काफी ज्यादा है जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर, और जो बीकानेर वाली थाली है इसमें हमारे पास क्वांटिटीज इतनी नहीं है। अब इसकी क्वालिटी चेक करके बताते हैं कि ये चीज खाने में हमें कैसी लग रही है, किसका टेस्ट कैसा है। यहाँ पे हमारे पास है राइस और दाल, तो हम पहले ये टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये दोनों चीजें कैसी लग रही हैं हमें। काफी अच्छा टेस्ट है, बटरी सा टेस्ट आया मुझे, तो बहुत टेस्टी है। अब ट्राई करते हैं हम बीकानेर वाले भी, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास दाल मखनी और राइस है। सो अगर मैं दाल मखनी की बात करूं तो हल्दीराम वाला जीत गया है भाई, क्लियरली ये बहुत टेस्टी है एज कम्पेयर टू बीकानेर वाले की। ओके, तो अब हम ट्राई करेंगे रोटी और पनीर, दोनों में है क्योंकि वो कॉमन है, तो हम दोनों को ट्राई करके देखते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास है लच्छा पराठा और पनीर। ये वाला पनीर बहुत मीठा मीठा सा टेस्ट कर रहा है, बट ये वाला पनीर सच में बहुत अच्छा है। तो सब्जी और रोटी में भी हल्दीराम जीत गए हैं यहाँ पे। ओके, सो सलाद में हमारे पास यहाँ पे बीकानेर वाले में है हमारे पास अनियंस, कुकुम्बर और मिक्स पिकल है जो कि उन्होंने हमें दिया है। ऐसे ही हमारे पास हल्दीराम में यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारे पास पापड़ है, प्याज है, टमाटर भी है और कुकुम्बर भी है। हाँ, ये रहा।
ठीक है। और अचार में हमारे पास यहाँ पे ये वाला अचार है गाजर का और मिर्च का, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो बीकानेर वाली थाली है इसमें हमारे पास रायता नहीं है, बट जो हल्दीराम वाली हमारी थाली है इसमें हमारे पास रायता है। तो हम रायता टेस्ट करके देखते हैं यहाँ पे कैसा है। अच्छा है, इसमें कुकुम्बर है, धनिया है और जो मसाले होते हैं हमारे रायते में वो भी है, बट यहाँ पे था नहीं तो मैं इसका कंपैरिजन नहीं कर सकती। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मुझे हल्दीराम की थाली ज्यादा अच्छी लगी एज कम्पेयर टू बीकानेर वाली थाली। सो ओके, बट अभी भी हमारे पास एक चीज बची है जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं या फिर हम खा सकते हैं। सो बीकानेर वालों ने हमें यहाँ पे दिया है व्हाइट रसगुल्ला, और यहाँ पे हमारे पास गुलाब जामुन जो कि हल्दीराम की थाली में मिला है हमें। अगर मैं स्वीट्स की बात करूं तो यहाँ पे बीकानेर वाला जीत गया है क्योंकि मुझे व्हाइट रसगुल्ले बहुत पसंद है एज कम्पेयर टू गुलाब जामुन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दीजिए।